हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमें कह रहा है, प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल ऑफ ₹5,50,000। On 31 March 2022, his total assets were 10,75,000 and liability were 2,92,500. Calculate the amount by which his capital has increased as on 31 March 2022. देखिए, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि प्रणव ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने कैपिटल लगाई 5,50,000 रुपीस, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल है। एसेट बता रखे हैं आपको 31 मार्च 2022 के, जो कि 10,75,000 है, और लाइबिलिटी बता रखे 2,92,500 है। आपको इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल पता करनी है, मतलब कि आपको कैपिटल पता करनी है जो कि 31 मार्च 2022 को बिजनेस की होगी, और साथ के साथ आपको ये पता करना है कि ओपनिंग कैपिटल जो थी और अब जो क्लोजिंग कैपिटल आपने पता करी है, इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, आपको ये चीज इस क्वेश्चन में बतानी है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है जो कि 5,50,000 है, क्लोजिंग टोटल एसेट गिवन है 10,75,000। ये क्लोजिंग क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि 31 मार्च 2022 की डेट मेंशन है, इसलिए हमने क्लोजिंग टोटल एसेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी मेंशन किया। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पता करना है क्लोजिंग कैपिटल, जो सिंपल सा फॉर्मूला है, एसेट माइनस लाइबिलिटी, मतलब क्लोजिंग टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी करेंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो यहाँ पे 10,75,000 एसेट है, 2,92,500 लाइबिलिटी है, माइनस करने पे 7,82,500 आएगा, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब ओपनिंग कैपिटल तो आपको पता ही है, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल 5,50,000 थी, तो कैपिटल कितनी इंक्रीज हो गई ये हमें क्वेश्चन में बताना है। माइनस करेंगे आप 7,82,500 में से 5,50,000 का माइनस करेंगे तो 2,32,500 आएगा, तो इतनी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो यही हमें क्वेश्चन में बताना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।